हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। जैसे कि हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग बात करेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बारे में। मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स भी रेफरेंस के लिए वहां बना रखा है। पहले देखें कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। अभी जो बच्चों हमने बना रखा है वो कॉस एक्स का ग्राफ है। कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसे चलता चला गया है और इधर ऐसे चलता चला गया। दिखने में साइन एक्स जैसा है लेकिन साइन एक्स का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, वो ऐसे जाता है और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इससे हमें बनाना है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। तो चलिए देखते हैं। हम लोग एक बात जानते हैं कि हम लोग की जो प्रिंसिपल ब्रांच थी वो क्या थी, जीरो से पाई। तो जीरो से पाई के बीच में कॉस इनवर्स कॉस एक्स का आंसर क्या होगा, एक्स होगा कब, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू पाई। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई इंटरवल होगा तो उसमें क्या आंसर होगा वही हमें चेक करना है। चलिए देखते हैं। तो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, जैसे नॉर्मल ग्राफ में निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहां x लिख लेता हूं, यहां y लिख लेता हूं। अब अगर x को मैंने वैल्यू दे दी जीरो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो cos जीरो होता है वन, cos इनवर्स वन, cos में वन किसकी वैल्यू होती है, जीरो की। तो फिर घूम फिर के y बराबर भी क्या आ गया, जीरो। ऐसे देख लो y बराबर cos इनवर्स cos जीरो, तो cos जीरो इज वन, तो cos जीरो की जगह मैं वन लिख देता हूँ। और फिर cos इनवर्स वन, तो आप चेक करोगे कि वन cos में किसकी वैल्यू होती है, तो जीरो की होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, जीरो। तो y बराबर जीरो। इसी तरह अगर मैं पाई बाई टू ले लेता हूँ तो cos इनवर्स cos पाई बाई टू, आंसर जानते हो क्या आएगा, पाई बाई टू आएगा। क्यों, क्योंकि पाई बाई टू जो है ना वो जीरो से पाई के बीच में आता है, और जब जीरो से पाई के बीच में आता है तो जो यहां लिखा होता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो जो यहां लिखा होगा वही आंसर होगा, पाई बाई टू आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ये हो गया कॉस इनवर्स जीरो। अब कॉस में जीरो किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई टू की, तो फिर आंसर क्या आ गया, पाई बाई टू। तो वाई बराबर कितना हो गया, पाई बाई टू। इसी तरीके से आप पाई के लिए चेक करिए, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई आंसर क्या आएगा आपके यार, पाई। क्यों, क्योंकि पाई जीरो टू पाई के बीच में या इनको इंक्लूड करते हुए है। तो जीरो से पाई के बीच में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, पाई, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया आपकी बार पाई। अब अगर इस लाइन को हमें मिलाना है, हमने क्या, जीरो कॉमा जीरो कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू वाला पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों, तो पाई बाई टू एक्स में तो ये है, और वाई में पाई बाई टू अगर जाएंगे तो यहां कहीं होगा, इस जगह पर। वन से ऊपर होगा ना पाई बाई टू, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 डिवाइडेड बाई टू, तो 1.57, तो वन से बड़ा हुआ इसलिए ऊपर बना रखा है हम लोगों ने। तो ये हो गया, तो दिस पॉइंट इज पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। चलो यहां लिख देता हूं पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, पाई कॉमा पाई, तो पाई तो ये है एक्स में, और वाई में, वाई में आएगा माइनस पाई, सॉरी एक्स में आया पाई, वाई में इसकी वैल्यू निकल के आएगी, एक मिनट चेक करते हैं जरा इसको। हाँ ठीक है, वाई में वैल्यू कितनी आएगी, पाई आएगी। यानी पॉइंट ही कहाँ मिलेगा, पाई कॉमा पाई यहाँ कहीं, ये हाइट मैंने पाई की बना रखी है ना, पाई कॉमा पाई, ये वाला पॉइंट हो गया पाई कॉमा पाई। अब इन तीनों पॉइंट को हमें मिलाते हुए जाना है, तो इन तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट को सही बनाना पड़ेगा, अभी बना लेंगे। ये आया बच्चों, जीरो से पाई के बीच के लिए कर्व ये होगा, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आप देखो ना वाई, एक्स और वाई बराबर है, एक्स और वाई बराबर है, ये जीरो जीरो पे भी एक्स और वाई बराबर है। इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, इसकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको ब्लू से बना लेते हैं, ठीक है। ये अभी आगे देखते हैं, अब जरा पाई से टू पाई के बीच में क्या होगा ये चेक करते हैं जरा। तो पाई से टू पाई के बीच में आते हैं जरा हम लोग, तो एक पॉइंट ले लेते हैं थ्री पाई बाई टू, एक्स बराबर थ्री पाई बाई टू, तो वाई बराबर कितना आएगा ये हमको चेक करना होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, तो एक्स बराबर थ्री पाई बाई टू रखोगे तो कॉस कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू, और कॉस में थ्री पाई बाई टू कितना होता है, जीरो। कॉस इनवर्स जीरो, यानी कॉस में जीरो किसकी वैल्यू होती है बच्चों, पाई बाई टू की, यानी ये आएगा थ्री पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू।
तो 3π/2, π/2 बच्चों कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, इस जगह पर भाई, x में 3π/2 है और y में 3π/2 है, तो ये वाला पॉइंट होगा 3π/2, π/2। फिर अब देखते हैं 2π रखे तो x की जगह अगर आप 2π रखोगे, तो 2π अगर हम लोग रखे बच्चों, तो cos इनवर्स cos 2π का मतलब क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो cos इनवर्स जीरो, cos में जीरो किसकी वैल्यू होती है बताइए, cos में जीरो किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई टू की। तो ये हो गया यहाँ पर पाई बाई टू, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार जरा वैल्यूज को, एक मिनट ये वैल्यू थोड़ा सही करें। x को रखा cos 2π, तो cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो cos इनवर्स 1, और cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की होती है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो 2π, 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2π, 0। अब इनको मिला देते हैं, तो ये वाला कर्व जो है हमारा तैयार हो गया। अब क्या है ना, cos x का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, यानी cos x का जो कर्व है वो 2π में रिपीट करता है। अब चेक कर लो, चलो यहां से चेक करो, जैसे -π/2 से 3π/2 तक ये 2π हो गया ना, इतना इंटरवल। फिर अगले में आओगे फिर यही बनेगा, इसको आगे बनाओगे फिर ऐसे ही बनेगा अगले 2π में, फिर अगले 2π में रिपीट होगा, इधर आ जाओ, ये था ना 2π का इंटरवल हमारा, फिर इस 2π में भी देखो ऐसे ही बना है, तो वो रिपीट मारता है बिल्कुल कर्व एकदम कॉपी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि अगर cos x का पीरियड 2π है तो cos इनवर्स cos x का भी पीरियड 2π होगा, यानी कि ये जो इंटरवल है हमारा, अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो ये कितनी है एक्चुअली, ये तो 2π है ना, तो फिर अब ये रिपीट मारेगा, अब रिपीट मारेगा तो मैं भी रिपीट कर दे रहा हूँ एकदम इसको, तो इधर भी रिपीट कर दे रहा हूँ मैं इसको, तो इधर मैंने रिपीट किया तो ऐसे रहेगा। ध्यान से देखो, पाई पर ऊपर है, 2π पर नीचे है, तो पाई पर ऊपर और 2π पर नीचे, ऐसे। इसी तरह यहां पर अब क्या होगा, देखो 2π अब यहां से जाएगा ऊपर, यहां पर क्या होगा 3π और यहां क्या होगा 7π/2, तो यहां से जाएगा 3π पर ऊपर और नीचे कहां पर आएगा बच्चों, ये नीचे आएगा 4π पर, ऐसे नीचे आएगा, ठीक। तो 0, 1π छोड़ देंगे, फिर 2π, तो 0 से 2π, 2π से 4π, ठीक है। इसी तरह इधर आ जाइए, तो 0 फिर -π छोड़ते हुए 0 से ऊपर गए और फिर 2π पर नीचे, तो ये जो बच्चों कर्व बना ना, ये हमारा बन गया cos इनवर्स cos x का। ध्यान से देखो, ये नीचे नहीं बना है बिल्कुल भी, बल्कि जो cos x का कर्व है उसको थोड़ा हल्का कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा डेंस डायग्राम हो गया, आप कॉपी में अच्छे से नोट करके बनाना तभी समझ में आएगा ये, ठीक है। अब उधर साइन इनवर्स वाला देखोगे तो वो ऊपर भी था और नीचे भी था, ये डायग्राम केवल ऊपर है। तो बच्चों ये cos इनवर्स cos x का कर्व हो गया, अब हमको कुछ फॉर्मूले चाहिए, जैसे साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू इतनी सारी होती है, इसी तरह cos इनवर्स cos x की भी बहुत सारी वैल्यू होती है, लेकिन क्या होती है और कैसे निकालें वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि cos इनवर्स cos x बराबर x होता है कब, ये तो अभी हम लोगों ने चेक किया था, कब, जब y बराबर क्या होता है x, कब, जब x कहां से कहां लाई करता है, 0 से लेके पाई के बीच में, तो x अगर 0 से पाई के बीच में तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, x होती है। तुम्हें नहीं समझ में आया y बराबर x कैसे होगा, तो चलो निकाल के देख लेते हैं ना इस लाइन की इक्वेशन, तो वही 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, तो एक पॉइंट तो ये हो गया 0, 0 और दूसरा पॉइंट हो गया π, तो इक्वेशन अगर मैं यहां पर निकालूं तो y-y1 = x-x1, फिर y2-y1 / x2-x1, तो y = π/π (x), तो y = x, आ गया नहीं आ गया, इस लाइन की इक्वेशन आ गई y = x, यानी यहां पर y, यानी y क्या है, cos इनवर्स cos x, तो cos इनवर्स cos x की वैल्यू क्या होगी यहां पर, x होगी, निकाला ना अभी। अब देखते हैं अगर पाई से 2π के बीच में, ये जो डायग्राम है पाई से 2π के बीच में अगर x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर लिख देता हूं, अगर x हमारा है पाई से 2π के बीच में तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे जैसे अभी मैंने निकाला हुआ है, 2 पॉइंट फॉर्म से, बस कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है π, π और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2π, 0, 2π, 0, तो y-y1 = x-x1 और ऊपर y2-y1 यानी π-0π,
अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन पाई माइनस टू पाई यानी माइनस पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, यहां पे माइनस बचेगा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, पाई से 2 पाई के बीच में। देखो फॉर्मूले निकालते जा रहा हूं, तुम रट भी सकते हो कितना रटोगे लेकिन। ठीक, अब एक और निकालता हूं, चलो अभी जरा फिर बाकी मैं लिख दूंगा, मैंने निकाल रखे, एक इधर का निकाल देता हूं, कहां से कहां तक बच्चों, चलो निकालते हैं, अगर जीरो से माइनस पाई से जीरो के बीच में अगर है तो x हमारा लाई कर रहा है माइनस पाई से अगर जीरो के बीच में है, तो माइनस पाई से जीरो के बीच में बच्चों अगर है तो ये वाला, तो ये जीरो कॉमा जीरो है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, इसको ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट है हमारा माइनस पाई कॉमा पाई, x में इधर माइनस पाई, फिर हाइट कितनी है इसकी पाई, माइनस पाई कॉमा पाई, तो फिर निकाल ले तो x1 y1 यही है, तो क्या हो जाएगा y माइनस जीरो इज इक्वल टू x माइनस जीरो, और यहां y2 माइनस y1 तो पाई माइनस जीरो तो पाई हो गया, अपॉन माइनस पाई माइनस जीरो कितना हो गया माइनस पाई हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों माइनस एक्स आ जाएगा, कब, जब माइनस पाई से जीरो के बीच में इसकी वैल्यू होगी, तो अभी हो गया माइनस एक्स। तो इस तरीके से मैंने तीन निकाले, तुम अगले भी निकाल सकते हो और उनसे अगले भी निकाल सकते हो, जितने चाहो निकाल सकते हो, ये फॉर्मूले कोई इतने ही नहीं होते, बहुत हो सकते हैं, कितने रटोगे, तो मैंने निकालने का मेथड तुमको सिखाया है। चलिए जो मैंने फॉर्मूले निकाल रखे हैं उनको वहां सारे लिख देता हूं जरा मैं। चलिए बच्चों, तो यहां पर मैंने देखिए ये सारे फॉर्मूले इधर लिखे हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए, इतने सारे इंटरवल के लिए मैंने निकाल रखे, कुछ तो मैंने अभी आपके सामने निकाले, ये वाला और ये वाला, इसी तरह आप ये सारे निकाल सकते हैं और निकालने ही सीख लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको केवल याद होना चाहिए साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स के डायग्राम का शेप, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा एक एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पाई बाई फोर इज 45 डिग्री, 45 डिग्री देखो कहां से कहां के बीच में आएगा, जीरो से पाई के बीच में आएगा, है ना, पाई बाई फोर जीरो से पाई के बीच में आएगा, जीरो से पाई के बीच में आंसर वाई बराबर क्या होता है एक्स, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स, एक्स ये वाली वैल्यू, 45 डिग्री मत लिखना एक्स को, एक्स मतलब पाई बाय फोर रेडियन में, तो इसका आंसर हो गया पाई बाय फोर। मगर अभी सवाल होता कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाय सिक्स, तब इसका आंसर सेवन पाई बाय सिक्स होता या नहीं होता ये चेक करना पड़ेगा कि ये कहां पर है। तो 7 पाई बाई 6 अगर डिग्री में सोचोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 6 इज 37, 210 डिग्री है ये, तो 210 डिग्री सोचो कहां लाई कर रहा होगा, जीरो से पाई तो 180 डिग्री तक हो गया, यानी इससे आगे ही होगा पाई से 2 पाई के बीच में, और पाई से 2 पाई के बीच में जब होता है तो हम लोग ने y बराबर क्या निकाला हुआ है बच्चों, देखो पाई से 2 पाई के बीच में 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस x। ठीक, अब सपोज करो मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं होते, ये फॉर्मूले मेरे पास नहीं होते, तो मैं क्या करता वही ना अभी टू पॉइंट फॉर्म से निकाल लेता 2 पाई माइनस एक्स, तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों क्या 2 पाई माइनस एक्स, एक्स यानी ये वैल्यू नहीं रेडियन वाली, तो 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, तो 6 टू 12 माइनस 5 पाई बाई 6 इज योर आंसर। आया समझ में, एक दो सवाल और करके देखते हैं जल्दी से इसको हम लोग। चलो देखो जरा, अगर तुम्हें इस डायग्राम का शेप याद हो तो डायग्राम का शेप मैं एक बार फिर से यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, तो डायग्राम का शेप ये है, ऐसे ही वो इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है, ये पॉइंट होता है जीरो, ये होता है पाई, ये होता है टू पाई, ये होता है थ्री पाई, ये होता है फोर, हाँ ये होता है फोर पाई, ऐसे आप लोग इधर लिख लीजिए माइनस पाई माइनस टू पाई माइनस थ्री पाई माइनस फोर पाई, सही है इतना। अब मैं मान लेता हूँ मुझे ये कोई फॉर्मूला याद नहीं, मुझे नहीं मालूम, तो मैंने एक सवाल तुम लोगों को दिया कि भाई आप लोग बताइए अगर y इज इक्वल टू लिखा हुआ है cos इनवर्स cos कितना कर लें, चलो 5 पाई बाई 4 कर लिया मैंने, इसका आंसर बताना है मुझे, तो भाई 5 पाई बाई 4 कहाँ लाई करेगा, तो 5 पाई बाई 4 45 इंटू 5 यानी 225 डिग्री, 225 डिग्री सोचो कहाँ लाई करेगा, क्या जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा, ये तो जीरो से 180 हो गया, क्या 180 से 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा,
180 से 360 225, तो फिर इसके लिए आंसर क्या होता है, मुझे फॉर्मूला बाई चांस नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, इसकी इक्वेशन निकालूंगा। इक्वेशन निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 2π, 0, और इसका कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है π, π। तो मैं ये थोड़ा याद होना चाहिए, देखो ये तो ध्यान रखना, इसकी हाइट जो है ना वो हमेशा, ये जो हाइट है ये हमेशा पाई है, दिस इज ऑलवेज पाई। बस एक्स कोऑर्डिनेट पता हो तुम्हें, y कोऑर्डिनेट तो सबके पाई ही होंगे, जैसे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3π, π ही होगा, 3π, π होगा। तो अब जब तुम्हें ये दो पॉइंट पता चल गए तो तुम टू पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालोगे, तो वो जो लाइन की इक्वेशन आएगी ना आपके पास वो निकल के आएगी y = 2π - x। अब यहां पर आ जाते हैं, तो y बराबर cos इनवर्स cos 5π/4, तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है 2π - x के, 2π - x की जगह 5π/4, तो 4 × 2 = 8 - 5, 3π/4 इज योर आंसर। तो ये फायदा है, अगर आपको शेप पता होगा तो आपको ये फॉर्मूले इतने नहीं याद करने की जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एक दो सवाल चलिए और करके देखते हैं, चलिए एक सवाल ये देखिए करके, y = cos inverse cos 10, अगर इसकी बात करें, और ये 10 डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है, ठीक है, और ये ध्यान रखना ये भी रेडियन में होता है, यानी x की वैल्यू जो होगी, x की जो वैल्यू है वो यही है, रेडियन वाली वैल्यू होती है। अब रेडियन में ये कहां लाई करेगा, सोचते हैं जरा, 10 देखो रेडियन की बात करें तो ये 3.14 रेडियन होता है पाई, है ना, 2π कितना होता है बच्चों, 6.28 रेडियन होता है, और 3π बच्चों कितना होता है, 3 × 3.14, 9.42 रेडियन होता है, और 4π कितना होता है, 4 × 3.14, तो 4 × 3.14 12 point something आएगा, 12.42 आएगा शायद, वो आप लोग देख लेना। तो आप देखो 3π से 4π के बीच में आया ये, क्योंकि 9 से 12 जा रही है, यानी 10 इन्हीं के बीच में आया, तो 3π से 4π के बीच में y बराबर क्या होता है, बस तुम्हें ये निकालना है। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा भी नहीं है, अब कैसे करोगे, है ना, तो फॉर्मूला तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो चलो इसको निकालते हैं हम लोग जरा फॉर्मूला। तो ये वाला पॉइंट है 3π, π, और ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, अगर कोऑर्डिनेट इसके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4π, 0। तो अब टू पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकालते हैं, जरा यहां निकाल दे रहा हूं, देखिए तो हो जाएगा y - y1, इसको मान लेते हैं y1 = x - x1, और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, y2 - y1, यानी π - 0, तो कितना हो जाएगा π, x2 - x1 यानी आ जाएगा -π, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, 4π - x, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4π - x, यानी 4π - 10, क्योंकि जब हमारा x लाई करता है 3π से 4π, तो y बराबर कितना होता है बच्चों, अभी हम लोग ने निकाला 4π - x, जब निकाल लिया तो एक फॉर्मूला और लिख देता हूं यहां पर, अगर x लाई करेगा 3π से 4π के बीच में तो क्या होगा, 4π - x इज योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा ये। एक सवाल और करके देखते हैं जल्दी से जरा, चलिए देखिए cos inverse cos -680 डिग्री, इसको करते हैं, तो -680 डिग्री कहां पर होगा, माइनस है तो इधर होगा, और 680 अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू 3π की कितनी होती है, 180 × 3 माइनस का 540, और 4π की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, ये वैल्यू होती है हमारी -720। हाँ तो इनके बीच में आ गया, यानी यहाँ पर अब इनके बीच में आ गया, यानी ये वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो अगेन देखो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो वैसे भी लिखता तो कितने याद करोगे। तो फिर हम लोग इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये क्या है कोऑर्डिनेट, ये है -3π, 0, x में -3π, y में कितना है पाई, हाइट हमेशा पाई, cos इनवर्स cos x में। यहां पर आ जाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास, यहां लिख दे रहा हूं -4π, 0। तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की आप इक्वेशन निकाल लेना, तो वो जब इक्वेशन आप निकालोगे तो वो आएगी निकल के y = 4π - x, समझ गया ना कैसे निकलना है, टू पॉइंट फॉर्म से 4π - x। तो अब इस पर आ जाते हैं, तो y बराबर कितना होगा हमारा यहां पर, 4π - x। अब x क्या होगा, x 680 डिग्री नहीं होगा, डिग्री वाला x होता ही नहीं, डिग्री वाला नहीं, रेडियन वाला होता है, यानी इसको रेडियन में चेंज करो, तो रेडियन में कैसे चेंज करोगे, 680 × π / 180, 0 से 0, और ये हो गया 2 से 34, और ये 9, तो ये आ गया माइनस का 34/9π।
तो x की वैल्यू ये हो गई, यानी 4 पाई माइनस माइनस का 34 बाई 9 पाई। इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन को जरा मैं। हाँ यहाँ देखिए गलती हो रही थी, चलो हमें एक काम करते हैं फिर से देखो जरा। हमने ये चेक कर लिया था माइनस 680 डिग्री जो है वो इन दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, माइनस 3 पाई से माइनस 4 पाई के बीच में, तो ये दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो लाइन की इक्वेशन ये आ रही है, वो अभी मैंने गलत लिख दिया था, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 पाई आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर आप चेक करो जरा, अगर x प्लस 4 पाई आ रहा है तो x क्या है, x माइनस 680 डिग्री नहीं है। इसको रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, माइनस 680 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जीरो से जीरो गया तो ये आ जाएगा माइनस 34 पाई बाई 9, 2 से कैंसिल आउट कर लेना इनको, तो ये x की वैल्यू हो गई। तो x प्लस 4 पाई यानी माइनस 34 पाई बाई 9 प्लस 4 पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 9 इज योर आंसर। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स में मैंने कई तरह के सवाल आपको करा दिए, ग्राफ याद रखिए इनका, किसी भी सवाल में दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बच्चों कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ और उसके ऊपर कुछ सवाल हो गए हैं, ये फॉर्मूले ढेर सारे कैसे निकलते हैं मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो सवाल हैं जिसमें ढेर सारे फॉर्मूले हैं, जब बढ़िया पेपर बनेगा बोर्ड का तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर बच्चे जनरली ये याद रखते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर हमेशा एक्स होता है, या उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कितने फॉर्मूले याद करें कैसे याद करें, वो सब मैंने आपको बताया है। आपकी बुक में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं भी आपको कराऊंगा कुछ बढ़िया सवाल। इनफैक्ट जो कॉम्पिटिशन है आपके जेई वगैरह उसमें भी इस टाइप के बड़े सवाल मिलते हैं आपको। और इनवर्स जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भरपूर आगे यूज होगा, इसलिए और ये सब प्रॉपर्टी यूज होंगी, तो बहुत ध्यान से करते रहिएगा। अभी भी हम लोग आपकी बुक के सीबीएसई में किसी एक्सरसाइज पर नहीं पहुंचे, अभी आपके बेसिक्स डेवलप कर रहा हूं, तो दो दो बार लेक्चर देख के अच्छे से नोट करके कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे इस कर्व का शेप क्या है, इस कर्व का शेप क्या है। अगर शेप याद कर लोगे तो ये चार पांच फॉर्मूले क्या दसियों फॉर्मूले निकाल लोगे तुम, सब निकाल लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा, जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कराइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।